अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में, और ढेर सारा प्यार ढेर सारी दुआएं आप सब बहन भाई के लिए। तो आज का ब्लॉग हमारा हो चुका है, शुरू रहिएगा हमारे साथ साथ, आप ढेर सारा भी काम का अपने सब बहन भाई साथ शेयर करते हैं। क्या हो रहा है भैया? सोया पड़ा। चलो, और ये आ गई है चुड़ैल, ये कचरा निकालना था भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आई थी भाभी की तरफ लेने की दवाई लेने गई थी सीवन हॉस्पिटल से। तो दवाई लेके आई हूँ। कहाँ गई थी? सीवन हॉस्पिटल से वहाँ गई थी। वहाँ से सीधा इधर भाभी की तरफ आ गई। मेरे घर से भाभी की तरफ जाते हैं, काफ़ी दिन हो गए भाभी से मिलने लगे। मेरा भी चक्कर नहीं लग सका, तो दिन खराब होने की वजह से। तो मैंने कहा चले आज आ गई हूँ, तो मैंने कहा भाई तो चलो खाना बनाते हैं मिलके, और जैसे खाते हैं खत्म करते हैं मजे मजे। क्योंकि शायद देखने वाले ये सोच रहे हो कि नगीना के साथ झगड़ा हो गया, जो नगीना नहीं आई। तो नहीं, तबीयत खराब थी उसकी। मैंने हर वीडियो में अपनी बताया, सब मैंने हर वीडियो में बताया कि भाई भाभी नगीना की तबीयत इस टाइम खराब है, तो वो आई नहीं। बाकी क्या है, बातों से कुछ नहीं बनता। चूल्हा नीचे रख दो। नहीं, मुझे क्या, मैंने हाथ से डाल के उसको रख दी। अच्छा, बना क्या रही हो? बना क्या रही हो? मैं ओ ये धो लिया ना मैंने, वैसे भी धो के हमने रखा था। तो जी, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट जी, सब्ज मिर्च और सा टमाटर टमाटर और प्याज उसको डाल, ठीक है। और सर जी, सूखा धनिया भी खत्म है, काली मिर्च भी खत्म है। सर मैं अभी ले आता हूँ। ओके सर, मेहरबानी होगी आपकी। इधर आइए, क्या कहते हैं सर भाजी? तमीना वो मुझे काट के दे रही हैं आलू। बच्चे जा रहे हैं बाहर, खुदम साहब ये बैठे हुए हैं और उन मोहम्मद गोद में है। और भाभी ने किन आटा गूंद रही है? अच्छा अच्छा, चले बाजी गश पै गया है। लो पकड़ो, खो कितना बिल? 3,970, 4,000 ही है। किस चीज का बिल है? गैस का। ये सुई गैस का। एक और सदमा, सदमे पर सदमा। कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। और इधर हमारा जो इंसाना सालन, इसकी बुनाई लग रही है अभी। इसमें मैंने कोदमा मसाला दही वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया था अभी। आलू छिल चुके हैं जनाब? जी जी। आप धोए जा रहे हैं? आलू, आलू शरीफ, आलू शरीफ। अच्छा, तो टींडे घर में दो हैं, काफी नहीं है? जहन से निकल गया सर मेरे, अपने के घर में दो टींडे हैं, काफी नहीं है? हाँ, एक आप और एक और मोहम्मद। हाँ जी, अभी भी टींडों की जरूरत है तुम्हें? नहीं, इतने काफी हैं। काफी हैं, काफी हैं। ससुराल जाओ तो आपकी सारी टींडे मिल जाए। बाजी गवाही दे दो। हाँ, सभी टींडे हैं, क्योंकि सब बहन भाई मुझे कहते हैं परम को गंजा करती है। इन्होंने अपना पूरा ससुराल गंजा कर दिया। मैंने नहीं किया, मेरे ससुर को किया, मेरी सास ने, और देवर को किया देवरानी ने। तुमने किया परम को? मैंने किया खुद को। और अपने बेटे को किसने किया? इसको वो तो आप खुद करवा रहे हैं। अच्छा, चाची जी करेंगे पेड़े? हाँ जी, आटा गूंद लिया था तो सालन हमारा बन गया। तो भाभी कह रही चले आप पेड़े कर लो, क्योंकि मेरी तबीयत आपके सामने पहले ठीक नहीं थी, इसलिए भाभी कहती है ज्यादा ना करो और तबीयत खराब हो जाएगी। पेड़े कर दूंगी तो भाई भी जो है ना होटल से रोटी लगवा लाएंगे, तो फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और जिस जिस बहन भाई ने खाना खाना है हमारे साथ आके।